सुपर रिलैक्स दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ मिश्रा और आज फरवरी 2020 और आप सबके समक्ष लेकर आया हूं एलेक्स का 2020 बिजनेस प्लान। एक बार दोबारा बिजनेस को आज जो है करीब एक साल हो गया, डेढ़ साल हो चुका है और डेढ़ साल में काफ़ी कुछ कंपनी ने जो है अपने प्लान को बदलना। मेन जो प्लान है वो अपने जगह पे वैसे ही है, लेकिन बाकी जगहों पे प्लान को इसलिए चेंज किया गया ताकि जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स और ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाए। और दूसरी बात है कि दूसरी कंपनियां आज जो है भ्रमित है कि एलेक्स ने वो कौन सा काम कर दिया कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी हो गया इंडिया का और इतनी तेज गति से बढ़ रहा है, इतने ज़्यादा जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा लोग प्रॉफिट पा रहे हैं। तो कंपनी ने प्लान ही कुछ इस तरीके से कर रखा है कि लोग जो है इसको कॉपी ना कर सके, तो ये होना बहुत ज़रूरी था। अदरवाइज़ क्या करते हैं, कुछ कंपनियां जो है कॉपी कर करके जो है अपना आदत बना रखे हैं कंपनियों को कॉपी करने का। तो खैर, इन सब बातों के बीच में आज कंपनी का जो प्लान है उसको हम आप सबके पास जो है शेयर करना चाहता हूं कि 2020 में प्लान में क्या नया हुआ और बहुत ही इजी तरीके से, सरल तरीके से प्लान को मैं दिखाऊंगा और कम समय में ख़त्म करने का कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी बात है कि एलेक्स का प्लान ही उल्टा प्लान है। ओके, अगर आपको जो दी इसमें वेबसाइट में चेक करना हो तो www.alexworld.in, मेरा फेसबुक आईडी यदि मैं लिखूं तो कांचन कांचन SN मिश्रा, आप जो है इस नाम से मेरे को फेसबुक में उपलब्ध होंगे। और मेरा मोबाइल नंबर 8084181918। ओके, थैंक यू। तो आप जो है अपना पूरा जानकारी मेरे से जो है ऐसे पर्सनली भी ले सकते हैं। सबसे पहले जो है कंपनी ने प्लान को क्या किया, हर कंपनी में जो है हमने सुना है नेटवर्क मार्केटिंग में एक अपलाइन होता है। मैं क्यों इस बिजनेस के प्रति इतना अट्रैक्ट हुआ, सब हर कंपनी में एक अपलाइन होता है और दूसरा क्या है कि अपलाइन होने के साथ साथ जो है एक डाउनलाइन होता है। तो जैसा कि हमने कहा, तो जैसे कि अपलाइन और डाउनलाइन होता है, हम जानते हैं कि डाउनलाइन का सारा बेनिफिट जो है अपलाइन को जाता है और जाना स्वाभाविक है, नहीं तो अपलाइन काम क्यों करेगा। लेकिन मैं जैसे कह रहा था कि एलेक्स का उल्टा प्लान है, ये पहला ऐसा कंपनी है जिसमें अपलाइन का बेनिफिट को भी जो है डाउनलाइन को जाता है, या मज़ेदार वाली बात। और दूसरी बात क्या है, हर कंपनी में क्रॉस लाइन होता है और हम जानते हैं कि क्रॉस लाइन के साथ हमारे को कोई संपर्क नहीं रखना। आज बड़ी से बड़ी कंपनियां भी हमें यही सिखाया गया था ताकि जो है यूनिटी ना बने और आपस में जो है भेदभाव ना खुल जाए, कहीं कमीशन ना पूछ ले, छुप छुप के काम करना है, हाँ, लोगों को जो है धोखा देना है कि हाँ मेरा कमीशन आता है और बाद में देखने से पता चलता है कुछ नहीं आता। खैर, तो क्रॉस लाइन होता है, यह पहला ऐसा बिजनेस है कि क्रॉस लाइन का बेनिफिट हमारे को आता है, हम जो भी काम करते हैं हमारा बेनिफिट क्रॉस लाइन को जाता है। यस, तो एलेक्स ने बिजनेस सिस्टम को और इजी करने के लिए, जैसे मेरे या आप लोगों को पता होगा, मैं पहले वीडियो में भी दे चुका हूँ, सबसे पहले क्या है, हर कंपनी में एक MRP होता है, तो इसमें भी MRP रखा गया। मान लीजिए कि अगर किसी वस्तु का MRP 130 है तो उसका जो एयर प्राइस रखा गया, DP प्राइस बोल सकते हैं आप, वो 100 रुपीज़, और एयर प्राइस जो 100 रुपीज़ उसमें लगभग जो है 40 BV रखा गया है। कंपनी बहुत सारी प्रोडक्ट अभी लॉन्च कर रहा है, खाद्य वस्तु भी आने लग जाएंगे, बासमती राइस, अगड़म बगड़म, ताल दाल सब कुछ आ जाएगा, कहने का मतलब रहेगा ही कुछ नहीं बाकी। तो ये जो MRP 130 रुपया है उसमें एयर प्राइस 100 रुपीज़ और उसमें 40 BV, इसी के ऊपर बिजनेस डिपेंड करता है। मैं जल्दी जल्दी दिखाने का कोशिश करूँगा। मान लीजिए जिस दिन आपका 1000+ BV हो जाएगा, 1000+ BV हो जाएगा, उस दिन क्या है, आप बन जाएंगे 8%। सबसे पहले तो ये एक्यूमुलेटिव प्लान है, एक्यूमुलेटिव प्लान का मतलब है प्लस, आपका बिजनेस कभी डाउन नहीं जाएगा, आपका बिजनेस जो है प्लस होता जाएगा, यानी कि पिछले के बिजनेस के साथ जो है इस महीने का बिजनेस आपका जुड़ेगा। तो खैर, ऐसा करते हुए ये चाहे आप अकेले करो चाहे टीम लेके करो, जिस दिन आपका 1000 BV पूरा हो जाएगा, 1000+ BV हो जाएगा, आप पहुंच जाएगा 8% में, या आप चाहे एक दिन में करो चाहे 10 महीने में करो, फिर उसके साथ ये 8% क्लोज हुआ, उसके साथ जैसे ही धीरे धीरे और आपने 4000 जोड़ते हुए अपना टोटल बिजनेस को 5000 कर लिए प्लस बीवी, तो वैसे ही आप जो है 18% में पहुंच जाएंगे।
फिर जैसे ही 5,000 के साथ और 15,000 जुड़ते हुए 20,000 भी हो जाएगा, 20,000 प्लस भी, तो आप बन जाओगे 23%। फिर जैसे ही 20,000 के साथ और 30,000 जुड़ जाता है, टोटल बिजनेस जो है 50,000 बन जाता है, तो आप बन जाते हो 27%। फिर 50,000 के साथ जैसे ही जुड़ते जुड़ते और बिजनेस जुड़ा और 80,000 हो गया 30,000 जुड़ के, तो उस दिन आप बन गए 30%। और ये कंपनी का फर्स्ट लेवल है जिसको बोलते हैं फ्यूचर स्टार लेवल। अब ये हो गया स्लो, जिन लोगों का धीरे धीरे, इसका कोई टाइम सीमा नहीं है, लेकिन कंपनी ने जो है एक फर्स्ट बिजनेस को फर्स्ट ट्रैक भी बनाया। यदि कोई जल्दी कामयाब होना चाहता है तो उसके लिए चांस है कि अगर 32,000 बीवी, 32,000 प्लस बीवी किसी सिंगल मंथ में, सिंगल क्लोजिंग में यदि कोई पूरा कर लेता है, या नहीं कर पाता है 32,000 बीवी यदि किसी महीने में सिंगल में क्लोजिंग कर दिया, तो वो डायरेक्ट फ्यूचर स्टार, वो डायरेक्ट फ्यूचर स्टार चला जाएगा। और 32,000 यदि नहीं कर पाया किसी सिंगल महीना में, रह भी गया और उसने 50,000 बीवी, 50,000 प्लस बीवी इन थ्री क्लोजिंग जिस दिन उसने ज्वाइन किया, ये कभी भी किसी भी महीना में कर सकता है, बट ये ज्वाइनिंग से 3 महीना गिना जाएगा। ज्वाइनिंग से 3 महीने के अंदर यदि 50,000 बीवी क्लोज कर देता है, तो भी वो डायरेक्ट फ्यूचर स्टार, डायरेक्ट फ्यूचर स्टार लेवल क्वालिफाई कर सकता है। ये कंपनी ने फास्ट ट्रैक बना दिया। अब दोस्तों इसके ऊपर जो है, जैसे ही आपका किसी एक लेग में, इसके बाद जो है कंपनी कहता है कि जो है आप अपना 4 लेग के साथ जो है बिजनेस को कर सकते हो, और 4 लेग का जो बनाया है, जिस दिन आपका एक लेग फ्यूचर स्टार क्वालिफाई कर जाता है और बाकी 3 लेग से यदि आप 25,000 बीवी मेंटेन कर देते हो, 25,000 बीवी, तो आप बन जाते हो राइजिंग स्टार, राइजिंग स्टार। जिस दिन आप अपने 4 लेग में काम करते हुए 2 लेगों को क्वालिफाई करा देते हो, यानी कि ये लेग 2 यदि क्वालिफाई हो गया, क्वालिफाई का मतलब यदि किसी को 80,000 करा के या 32,000 करा के या 50,000 करा के, एनी हाउ यदि आप फ्यूचर स्टार क्वालिफाई करा देते हो, ये यदि आपका फ्यूचर स्टार क्वालिफाई लेग बन जाता है और बाकी से 25,000 का बिजनेस आ जाता है, तो आप राइजिंग स्टार। यदि आपने 2 लेगों को क्वालिफाई करा देते हो, फ्यूचर स्टार, फ्यूचर स्टार, और बाकी जो 2 लेग आपका बच गया है, उस 2 लेग से यदि आपने 20,000 का बिजनेस बना देते हो, बीवी बना देते हो, तो आप बन जाते हो राइजिंग स्टार, साइनिंग स्टार, सॉरी, साइनिंग स्टार। और मजे की बात है, इसके बाद जैसे जैसे आपके लेगों का बिजनेस का वॉल्यूम बनेगा, कंपनी ने क्या बोला कि देखिए ये पहला बिजनेस है, जैसे ही लोग अपने डाउनलाइन को मदद करेगा, ये कंपनी ऐसा भी कर सकता था जैसे बाकी कंपनियों में अनलिमिटेड लेग। अनलिमिटेड लेग में क्या होता है कि किसी को पैदा तो कर देना बट उसका मदद ना करना। कंपनी ये भी कर सकता था 2 लेगों का बिजनेस, उसमें क्या है ज़्यादातर लोग नॉन क्वालिफाई हो जाता है। तो कंपनी का इस विषय में जो है हम आगे बात करेंगे, अभी जो मेन फोकस है वो हमारा बूस्टर प्लान के प्रति है ना। तो ये जो किया कंपनी ने, यहाँ तक जो है लेवल इनकम, ये हर कंपनी देता है, बट एलेक्स ने एक नया तरीका निकाला, वो क्या है, बूस्टर रॉयल्टी, बूस्टर रॉयल्टी। ये जो है आपको जानना है कि बूस्टर रॉयल्टी क्या है। कंपनी ने जो है अपना टर्नओवर का 10% ऑफ कंपनी टर्नओवर फॉर ओनली अप टू फ्यूचर स्टार लेवल। गौर करिए दोस्तों, ये जो फ्यूचर स्टार लेवल है, यानी कि यहाँ पे यदि आप देखोगे फ्यूचर स्टार लेवल, यानी कि 8% से लेके 30% तक लोग, ये ज़्यादातर कंपनियों में देखा जाए तो 95% लोग जो है इन्हीं के बीच में होते हैं, झोला लेके घूमते रहते हैं, प्लान देते रहते हैं, नए जोश में होते हैं, नए लोग होते हैं, और इन लोगों के कमीशन के विषय में कभी नहीं सोचा गया, हमेशा जो है ओनली डिफरेंस कमीशन दिया गया, और वे बेचारा यहीं पर फेलियर हो जाते हैं।
तो एलेक्स ने एक प्लान निकाला कि क्यों ना जो है ऊपर वालों को करोड़पति ना बना के कुछ पैसा निकाल के इन लोगों में बांटा जाए, और कंपनी का यही प्लान आज जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनने का कारण बन गया। कंपनी ने अपने पूरा बिजनेस का जो टर्नओवर जाता है उस टर्नओवर का 10% निकाल के बूस्टर रॉयल्टी में बांटना स्टार्ट किया, जिसका 10% ऑफ कंपनी टर्नओवर फॉर ओनली अपलाइन को मिलेगा नहीं ये पैसा, मतलब जो फ्यूचर स्टार से ऊपर होता है राइजिंग साइनिंग बेगा स्कॉर्पियोन उन लोगों को जो है ये पैसा लागू नहीं है, ये सिर्फ जो है डाउनलाइन को मिलेगा, और वो है आप 10% ऑफ कंपनी, कंपनी चाहे प्रॉफिट में जाए चाहे नुकसान में जाए अपना 10% निकाल के उन तमाम लोगों में बांट दिएगा जो इस लेवल में हो और अपना काम को अच्छा कर रहा है। अब अच्छा कैसे माना जाएगा, अब जब भी बड़े किसी कंपनी को देखोगे तो आप देखना जो है वो अपना प्रॉफिट का हिस्सा जो है अपने उसमें बांटता है, तो ये भी जो है 10% बांट रहा है, तो वो किस तरीके से बांट रहा है, इनको जो है बूस्टर को 2 पार्ट में भाग किया गया, बूस्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट 1 माइक्रो बूस्टर और पार्ट 2 हो गया रैपिड बूस्टर। माइक्रो बूस्टर हो गया आपका 7% और रैपिड बूस्टर हो गया 7+3%। ओके, ये जो माइक्रो बूस्टर 7% ऑन 10,000 BV, यानी कि ओनली आप 10,000 BV बिजनेस करके आप जो है माइक्रो बूस्टर 7% ले सकते हो। करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आप हो, ये आप हैं, और आपने जैसे मैंने बोला कि आप जो है मैक्सिमम 4 लेग में बिजनेस को कर सकते हो, तो यहीं पे से आप जो है 4 लेग बना के अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हो। और कंपनी कहता है कि खुद के आईडी में 2000 BV और साथ में जो है ये चारों आईडियों में 2000 BV जो है आपको क्रॉस कराना है, 2000 BV प्लस कराना है। तो या तो ये जो है बंदा घर में खुद अपना यूज़ कर ले, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा एक्सपर्ट होगा, आपने मेडिसिन शॉप में या कहीं पे जो है अपना बना के जो है आप बिजनेस को कर रहे हो, तो वो हो सकता है कि सेल भी कर दे, या तो हो सकता है कोई यदि सेल नहीं कर पा रहा है 1/1 करके जोड़ के जो है टोटल बिजनेस को 2000 बना ले, ऐसा भी चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आप ही की तरह 4 लेग या 3 लेग में बिजनेस कर रहा है 2000 का भी बना लिया हो। तो कैसे भी करके कंपनी को कोई लेना देना, जैसे ही आपका ये टोटल बिजनेस 10,000 का हो जाता है, 10,000 BV हो जाता है, तो आप बन जाते हो माइक्रो बूस्टर। और माइक्रो बूस्टर होने के क्षेत्र में एक बार एग्जांपल ले लेते हैं कमीशन का, ऑफ कमीशन। तो देखिए यहां पे सबसे पहले आपने सेल्फ खरीदारी किए हैं, कितने का किए हैं 2000 का, और 2000 का है आपका टोटल बिजनेस है, 10,000 का आपने खुद खरीदारी किए हैं 2000 का। और यदि हम यहाँ पे स्लैब को देखें, जैसे हर कंपनी में देखा जाता है, तो 10,000 बिजनेस के साथ आप यानी कि 5,000 क्रॉस कर चुके हो और 20,000 से नीचे हो, यानी कि आप 18% में हैं। तो यहाँ पे सेल्फ खरीदारी का 2000 का 18% पूरा आपको मिला, 18 × 360 रुपया। अब आपने डाउनलाइन बनाए हैं, डाउनलाइन कितने का बनाए हैं, डाउनलाइन 2000 2000 2000 2000 4 × 8000, लेकिन ये सिंगल 2000 में है और देखा जाए तो वो 1000 से ऊपर, यानी कि वो 8% में, आप है 18 वो है 8, यानी कि 10% का डिफरेंस है। तो हर इंडिविजुअल से आपको 10% आएगा, तो 2000 का 200 200 200 200 4 × 800 रुपया आपको डाउनलाइन से मिलेगा। ये हर कंपनी देता है, किसी में कम देता है किसी में ज़्यादा देता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बट एलेक्स ने क्या किया, यहाँ पे आपको 7% माइक्रो बूस्टर मिलना है, और वो कितना है एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इस महीना कंपनी का टर्नओवर जो है 4 करोड़ गया हो, 4 करोड़ गया है कंपनी का टर्नओवर, जिसका 7% निकल के आएगा, तो होता है 4×7 = 28 लाख। अब हो सकता है कि देश भर में करीब जो है हजारों लोगों ने इसको क्वालिफाई किया हो, तो सभी लोगों में बराबर बराबर बटेगा, तो लगभग 2800 रुपया माइक्रो का अमाउंट निकल के आएगा, 2800 रुपया। तो आपका कमीशन कितना हो गया टोटल, फिर 0 6 8 8 16 3 19 7 में 1 2 3 3960 रुपये, ये आपका टोटल कमीशन है। अब देखो गौर करो दोस्तों, 3960, 10,000 का कितना परसेंट है, हेलो
10,000 का कितना परसेंट है? 10,000 का है लगभग लगभग 40%। ये पहला बिजनेस है जो ये एक्चुअल में कमीशन जो है यहाँ पे आज के डेट में जो बन रहा है वो 2500 से लेके 4500 तक बन रहा है कंडीशन के अनुसार और बिजनेस के अनुसार। तो 2500 से 4500 का जो रुपया है तो लगभग जो है 30% कमीशन ऑन 10,000 बीवी। हेलो दोस्तों, आज देख लो मतलब एलेक्स के अलावा इंडिया भर में कोई भी कंपनी चल रहा हो, कोई ऐसा भी कंपनी हो को 10,000 का टर्नओवर देके कोई 30% का कमीशन ले रहा हो, चैलेंज है मेरा, बाइनरी साइनरी सब में देख लेना। यस, तो खैर यहाँ तक रह गया आपका जो है माइक्रो बूस्टर। अब इसी के आगे जो है आप जा सकते हो रैपिड बूस्टर। ये देखिए दोस्तों, रैपिड बूस्टर 7+3% ऑन 32,000 बीबी। टोटल बिजनेस को यदि आप 32,000 कर देते हो प्लस, तो आप जो है उसी महीना रैपिड जा सकते हो। ये आपको करना क्या है, वही सेम 2,000 बीबी, और आपका जो ये चार लेगों का काम है 1, 2, 1, 2, 3 एंड 4, चार लोगों के साथ आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। अभी कंपनी क्या कह रहा है कि इन्हीं में से तीन लोगों के ऊपर आप यदि फोकस कर देते हैं और तीन लोगों को 10,000 प्लस बीबी में पहुंचा देते हैं, इनका 10,000 पहुंच गया, हो सकता है कि इन्होंने अकेले किया हो सकता है इन्होंने जो है चार टीम आप ही की तरह बना के 10,000 किए हो सकता है इन्होंने वन बाई वन किया हो सकता है एक लेग फेल भी हो गया हो, तो लेकिन कंडीशन क्या हुआ, 10,000 और आपका 2,000 यानी कि 32,000, ये आपका एक सिंगल मंथ का क्लोजिंग का बात है। तो ये 32,000 बीबी जैसे ही हो गया आप पहुंच गए रैपिड बूस्टर में, तो यहां पे आपका एग्जांपल कमीशन क्या होगा, आपने सेल्फ खरीदारी कितने किए हैं 2,000 बीबी का, और आप जो है 32,000 बीबी, जैसे कि मैंने कहा था कि 32,000 बीबी करने से सिंगल महीना में आप पहुंच जाओगे डायरेक्ट फ्यूचर स्टार, यानी कि इस कंडीशन में आप बन गए फ्यूचर स्टार 30% लेवल प्लस रैपिड, यानी कि 7+3% हिस्सा कंपनी का। तो यहां पे सेल्फ खरीदारी आपने किए हैं और आप कितने परसेंट में हो गए, आप फ्यूचर स्टार 30% में पहुंच गए, तो 2000 का 30% यानी कि 600 सेल्फ खरीदारी से आपने डाउनलाइन बनाए हैं, आपने चार डाउनलाइन है, हो सकता है चौथा कुछ बिजनेस कर भी रहा हो कुछ नहीं भी कर रहा हो, बट क्या है आपका ये जो मिनिमम कैलकुलेशन होगा वो क्या है, 10,000 10,000 10,000, ये 10,000 वाला देखा जाए तो कितने में है, 18% में, तो 10,000 वाला है 18% में और आप हो 30% में यानी कि 12% सीनियर, तो इससे 1,200 3,600 रुपया जो है आपको मिलना है अपने डाउनलाइन से। चौथा क्या, तीसरा क्या मिलना है आपको, माइक्रो बूस्टर का अमाउंट कितना, 7% माइक्रो बूस्टर 7%, वो जो हमने कैलकुलेशन क्या किया था लगभग 2800, तो यहाँ पे 2800 रुपया आपको जो है माइक्रो बूस्टर का अमाउंट भी मिल जाएगा। अब आपका बाकी क्या रह गया, रैपिड बूस्टर 3%, और ये 3% यदि 4 करोड़ का बिजनेस गया है और उसका 7% निकाला गया था, यहाँ पे 3% निकलेगा, 3×4=12,00,000, और इसको यदि 1,000 लोगों ने क्वालिफाई किया तो इसको भी 250-300 लोग करेगा, तो मान लेते हैं कि 300 लोगों ने ही किया तो सब में बराबर बटेगा इक्वल टू 4,000 रुपीज निकल के आएगा, तो यहाँ पे आपको साथ जो है जुड़ जाएगा 4,000 रुपया और आपका जो कमीशन बनेगा 0011। तो दोस्तों 11,000 रुपया बन रहा है आपका 32,000 बीबी देने के बाद, और ये पहला ऐसा कंपनी है जो अपने जो बिजनेस का साइज है उसका करीब करीब 30-40% डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये आज के दिन में जो अमाउंट बन रहा है प्योर अमाउंट, और 9,000 से लेके 12,000 तक का रैपिड बूस्टर आज जो है कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब दोस्तों ये जो खरीदारी आप करोगे 2000 बीबी का, कंपनी इसके लिए भी जो है आपको बहुत सारा बेनिफिट दिया है, उसको यदि हम कहें तो कस्टमर बेनिफिट बोल सकते। हाँ दोस्तों, तो फिर अभी गौर करना चाहता हूँ कि देखिए कस्टमर बेनिफिट, एक बंदा 2000 का या 1000 का रेगुलर जो खरीदारी करता है उसको खरीदारी पे क्या बेनिफिट मिलेगा।
सबसे पहली बात है कि फर्स्ट जो बेनिफिट हो 30-40% डिस्काउंट मिलेगा। जब भी वो प्रोडक्ट खरीदेगा किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो MRP लिखा होगा उसमें 30-40% उसको डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि वो बेच के भी जो है बेनिफिट ले सकता है। नंबर टू जो बेनिफिट है वो 8-30% कैश बैक ले सकता है, यानी कि जो खरीदारी वो करेगा उसके ऊपर जो उसका बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, जैसे कि मैंने पहले बता चुका था कि जो है अगर हमारा MRP 130 या 40 होगा, एयर प्राइस 100 होगा तो BV 40 होगा, इस BV के ऊपर जो भी खरीदारी वो करेगा उसमें लगभग जो है उसको 8-30% अपने लेवल के अनुसार जो है उसको कैशबैक मिलेगा। फिर जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत उसको जो है स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर 1100 बीवी उसने यदि लगातार 3 महीना किया तो उसको मिलेगा 2,00,000 का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। ये पहला ऐसा कंपनी है जिसमें खरीदार को भी जो है एक बीमा प्रदान करता है, खुदा ना खास्ता किसी के घर में कुछ हो गया, जो रेगुलर सामान खरीदता है उसको 2,00,000 का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बीमा भी मिलेगा उसके परिवार को सहायता राशि के ऊपर अनुसार। 1100 बीवी यदि कंटिन्यूअस 12 महीना करता है तो उसको एक ईयरली टूर मिलेगा। यस, खरीदारी के ऊपर ईयरली टूर 2 nights and 3 days नेशनल टूर पैकेज 3-star होटल, देश के कोई भी घूमने फिरने वाले जगह पे वो जा सकता है। और जैसे मैं कह रहा था वो 1100 के जगह यदि 2200 करे तो वो अपना हस्बैंड वाइफ छोटा बच्चा हो तो उसको भी साथ में ले जा सकता है। और इसके अलावा यही करते करते जो बिजनेस को बढ़िया तरीके से कर लेगा उसको मिलेगा बिजनेस अपॉर्चुनिटी और अपना टीम कमीशन। ठीक है दोस्तों, तो खैर आज ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया, ऑलरेडी 21 मिनट हो चुका है, तो मैं और ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपके ऊपर जो गौर करना चाहता हूँ, ये पहला कंपनी है, देख लीजिए यहाँ पे आपका जो काम है वो 10,000 का था और आपको मिलना चाहिए था सिर्फ जो है अपना सेल्फ खरीदारी का डिफरेंस और डाउनलाइन का कमीशन, बट जो है यहाँ पे 7% कंपनी का शेयर मिल रहा है और वैसा करके जो है आप 30% अपने टर्नओवर का हिस्सा ले लेते हो। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ डाउनलाइन का पैसा अगर अपलाइन को जाता है तो अपलाइन का पैसा भी डाउनलाइन आता है और क्रॉस लाइन के साथ भी जो है पैसा होता है। क्यों? आपका हिस्से का पैसा तो इतना ही था तो फिर ये 2800 कहाँ से आया? क्योंकि 4 करोड़ का टर्नओवर आपने नहीं बनाया, आपने तो सिर्फ 10,000 का टर्नओवर बनाया। 4 करोड़ का टर्नओवर किसने बनाया? या तो कोई राजस्थान में, कोई हरियाणा में, कोई उड़ीसा में काम कर रहा है वो क्रॉस लाइन, या तो फिर आपका अपलाइन। यस, तो यही कहते हुए एलेक्स के इस उल्टा प्लान को यही खत्म करते हैं। तो कंग्रेचुलेशन, अब जो है हम अगला वीडियो में बात करेंगे राइजिंग स्टार, शाइनिंग स्टार, वेगा स्टार, उन सब के लिए क्या शर्त है और उन लोगों को कितने सारी इनकम है। तो दोस्तों, सुपर एलेक्स।